और देखिए इसमें पानी कैसे उछाल मार रहा है, देखिए देखिए वाटर लेवल पर देखिए, और इसमें ये मसाला भरे हुए हैं, धीरे धीरे होता ही जाएगा। हाँ निकल रहा है थाली में निकल चुका है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों कश्मीर में अब थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ने लगा है और आज मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा, बिकॉज गीजर तो ठीक है, गीजर में कोई खराबी नहीं है, बट इसका ये जो 3-pin सॉकेट है जिसमें ये लगाते हैं इसका, तो ये जल गया है, तो इसमें लाइट नहीं आ रहा है, ये जो लूज हो चुका है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, कोई आता है तो इसको निकाल देता है, कोई आता है तो इसको लगा देता है, कोई ऑन ऑफ करते रहता है, इसकी वजह से यहाँ इसमें स्पार्क मारते रहता है, इसी की वजह से जल खत्म हो चुका है पूरा। और कश्मीर में ठंडी के मौसम में नलके का वाटर बिल्कुल कूल हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल अभी भी ठंडा है। सुनो के टाइम में भी ठंडे पानी से नहा लेता हूँ, मुझे आदत हो चुका है। अभी मस्त मैं नहा धोके हो गया बिल्कुल फ्रेश, अब चलते हैं सीधा साइट पे। अभी मैं आ गया उस शॉप पे जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, तो एक सामान मुझे लेना है, हमारे कारपेंटर्स फैमिली ने फोन किया था। स्वागत है क्या? कितना? 5। आई नॉट परमिटेड फॉर यू, क्योंकि ये जो है ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, सबको पता ही है, और वो जो है इसके बिना चलेंगे ही नहीं, तो उनको मैं लेके जा रहा हूँ, दे दूंगा, खाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इससे चार्ज होते हैं, बोलते हैं इससे उनका माइंड चार्ज होता है। ये देखो यहाँ पे किया भी गाड़ी अच्छी है, साइड लुक फ्रंट लुक सब अच्छा है। और मुझे जाना है वहाँ पे, बिल्कुल नज़दीक में साइट है, ये अपना डेरा है वहाँ पे और साइट है यहाँ पे, नज़दीक में है, इसलिए मैं यहाँ पे डेली आता रहता हूँ और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ यहीं पे करता हूँ। तो ये मैं आ गया बाउंड्री के अंदर, ये देखिए कितना स्पेशल गेट लगा हुआ है, टेम्प्रेरी है। मकान का लुक देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम काम कर रहे हैं। यह है शाहरुख खान, ये शाहरुख खान है और वो है जॉन अब्राहम। क्या है? मकान मेरा है। आपका है? हाँ, वो आपका है, वो आपका, ये मजदूर है। ये मकान आपका है? कब से? हाँ, आपका है। कब से हो गया आपका? ये मेरा मजदूर है। कब से हो गया? देखिए चश्मा वश्मा लगा हुआ के मकान के मालिक बने बैठे हुए हैं और जॉन अब्राहम को मजदूर बना दिए हैं। और यहाँ पे पीओपी का काम चल रहा है, देखिए सीलिंग में ऐसे ऐसे डिजाइन है। तोड़ फोड़ क्यों हो रहा है? कानस काट दिए। ये रखिए अपना, 5 बोले थे ना। ड्रेसिंग यहाँ पे लग गया, वार्डरोब यहाँ पे, ऊपर का बॉक्सिंग कर देना है, उसके बाद इसमें पतगोटू लगा के इसका माइका लगा के कंप्लीट कर देना है। और किचन में फ्लोर टाइल लग गया, यहाँ से ये सब ग्रेनाइट लग गया, तो अब थोड़ा थोड़ा लुक इसका चेंज होने लगा, धीरे धीरे होता ही जाएगा। जब पूरा माइका इधर बाहर के साइड से लग जाएगा, पट्टू वट्टू लग जाएगा इसका, तो अब मैं चलता हूँ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट क्या यार, 12:09 हो गया, तो अब तो लंच का ही टाइम हो गया, तो डायरेक्ट लंच ही करते हैं, आज का ब्रेकफास्ट कैंसिल। तो ये दोस्तों मैंने निकाल लिया आज का अपना ये ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट है या लंच है? लंच है, ब्रेकफास्ट नहीं है। हरा मिर्च, आलू का भुजिया, मस्त दाल एंड चावल। खाना मैंने कर लिया कंप्लीट, थाली धो के मैंने रख दिया यहाँ पे। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इधर का तो ये सब पीपी वाला काम हो गया कंप्लीट, वाइट एकदम रूम लग रहा है। अरे कितनी सारी चिड़ियाएँ हैं देखो, छोटी छोटी चली गई सब उधर। यहाँ पे आके लंच करने के बाद इसके काम में उलझ गए थे, बिजली वाला आया था यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, तो ये सब जो है वायर निकालना था, इसमें लगेगा लाइट, स्ट्रिप लाइट लगेगा इसमें भी, ये सब जितने भी ऊपर का बॉक्सिंग हुआ है सब में स्ट्रिप लाइट लगेगा। इसका जो लाइट है वो सीधा काउंटर पे आएगा नीचे इस पे। तो मेरा काम फिलहाल के लिए यहाँ से हो गया, तो मैं चलता हूँ सीधा रूम पे। मैंने रात में वीडियो एडिटिंग किया था, उसमें थोड़ा सा बच गया है, तो उसको मैं अभी कंप्लीट करके और अपलोडिंग पे लगा देता हूँ आज ही। वेदर देखिए पूरा क्लाउडी है, बारिश होने का फुल चांस है। ये लोग देखिए, ये खाली गुलगुला पीते रहेंगे। देखिए अब पहले वो डब्बे में बनाए थे और अब ये बोतल में बना लिए हैं, देखिए प्लास्टिक का बोतल है। और देखिए इसमें पानी कैसे उछाल मार रहा है, देखिए देखिए वाटर लेवल पर देखिए। और इसमें ये मसाला भरे हुए हैं, क्या इसमें डाले हैं? तंबाकू और पीता है दबा दबा के। देखो पाइप से कैसे गिर रहा है, शाम को जाता है, धुआं तो निकलता ही नहीं है, शाम को जाता है, चलता है उसको, कहाँ निकलता है? हाँ निकल रहा है। मौसम के बारे में बताइए यहाँ के। वो आज मौसम बहुत खराब हो गया है। अच्छा, एक दो दिन का हम बारिश हो गया है। बारिश हो गया है? अभी कहाँ बारिश हुआ है? बारिश जैसा मौसम हुआ है, बारिश हुआ कहाँ? अभी मौसम खराब हो गया है, वो बारिश हो गया। अब बारिश होगा तो बर्फ भी आएगा। हाँ
तो अभी रूम में पहुंच गया और लैपटॉप को पहुंचते ही मैंने कर लिया ऑन। अब कर देते हैं वीडियो का एडिटिंग शुरू। अभी दोस्तों मैं एक मीटिंग अटेंड करके आ गया और अभी टाइम हो गया 08:51 बिकॉज मैं जिनके साथ गया था वो वीडियो करने ही नहीं दे रहे थे। वेदर क्लाउडी था इसलिए मैं उन्हीं की गाड़ी में गया था। और कितने लोगों को वीडियो पसंद नहीं होता है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर आऊँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेसी का मामला हो जाता है। और जहाँ पर मीटिंग हो रहा था वहाँ पर तो मोबाइल को साइलेंट करके ही बैठना पड़ा था और सबकी बातें सुनना था और अपना भी राय देना था। कुछ सब कुछ तो हो गया सही, पर दोस्तों कोई भी कंट्रैक्टर जो है ना, बेनिफिट होगा किसी काम में तभी वो काम लेगा, नहीं तो छोड़ देगा, भले ही घर पे बैठेगा। लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंट्रैक्टर्स जो होते हैं, बहुत से उन्होंने अपना ज़मीन जायदाद बेच के कारीगरों को दिया है, कर्ज भी चुकाया है बहुत सारा। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ, भले ही काम नहीं करेंगे घर पर बैठेंगे, बट अपना जो जायदाद है उसको तो नहीं ना बेचेंगे। तो यही सब बात है दोस्तों, देखते हैं। मैंने जो रेट रखा है अगर उस रेट में वो काम मिल गया, ठेके पे है, तो मैं करूँगा, नहीं मिला तो छोड़ दूँगा, क्या ही करूँगा। मुझे हम लोगों को पता है ना कि किस काम में कितना टाइम लगने वाला है, कितना उसमें आदमी लग जाएगा, क्या क्या होगा, वो सब हम लोगों को पता होता है। तो अगर उसके बराबरी में भी आ जाएगा, 2% 5% भी बच जाता है ना, तो हम लोग ले लेते हैं काम। और जहाँ पे 2% 5% अगर लॉस में जाते हैं तो उस काम को लेने से फ़ायदा ही क्या है दोस्तों, कमाएंगे कुछ नहीं, उल्टा अपना ज़मीन जायदाद बेच के दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं सीधा साइट पे। तो फाइनली दोस्तों मैं इस अंधेरी रात में पहुँच गया साइट पे और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी ठंडी लग रहा है इसलिए खिड़की पे मोम जाम लगा के ऐसे सेटिंग अपना किए हैं। सही है जो है वो कद्दू का सब्जी, चावल देखिए चावल उछाल मार रहा है। तो ये दोस्तों आज का अपना डिनर निकल चुका है, ऑमलेट और ये क्या है शर्मा चाट और ये कद्दू आलू का सब्जी एंड राइस, सबके थाली में निकल चुका है। अब सब लोग बैठ के एक साथ खाएंगे, शुरू कीजिए। तो अभी डिनर हो गया कंप्लीट, तो अब चलते हैं। लेट होने पे है ना वहाँ का गेट भी बंद हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल मैं ब्लॉग इन नहीं कर पाया बिकॉज कल मौसम ख़राब हो गया था रात में, और जैसे ही मैं डिनर करके निकला बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी और थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान भी आ गया, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग इन नहीं कर पाया। लाइट नहीं था, अंधेरा था पूरे इलाके में चारों तरफ, और कल का डे मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक था जिसकी वजह से मैं मोबाइल भी चार्ज नहीं किया था, तो मोबाइल का बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया, तो कल मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो अभी जो है चलते हैं, पहले हेलमेट में जो अपना काम है वो कर लेते हैं कैमरा माउंट करने के लिए, उसके बाद ब्लॉग इन करेंगे। वेदर अभी भी क्लाउडी है, बारिश होने का फुल चांस है इस मौसम में। देखिए इधर का व्यू, मकानों का व्यू देखिए, टीना लगा हुआ है सबके छत पे। तो अभी दोस्तों इसका रिपेयरिंग कर देते हैं शुरू। इसका ये वाला है होल्डर, देखिए कैसे छोड़ दिया है ये, एक है रेजिन एक है हार्डनर, तो दोनों में से बराबर बराबर इसमें मिक्स करेंगे। तो इसका सील ऐसे हो गया, ये हो गया अपने आप निकलने लगा अब ये दोनों बराबर निकालेंगे इसमें। इतना से हो जाएगा, अब इसको रख देते हैं, दूसरे काम में आ जाएगा। किसी ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो ये सेट कर जाएगा, क्योंकि इसका टाइमिंग है 5 मिनट का, तो इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है ऐसे। ओ भाई बहुत ख़राब बदबू है इसका। तो ये हो गया मिक्स, अब करते हैं अपने हेलमेट का ये कैमरा माउंट करने के लिए होल्डर का ट्रीटमेंट। तो दोनों में लगाएंगे, तो पहले इसमें लगा लेते हैं। तो ये हो गया, अब इसको ऐसे इस पे आराम से चिपकाना है। ओ भाई ये कहाँ कहाँ से निकल रहा है, इधर माता भाई इधर ही रहा, ऐसे हो गया। वैसे तो ये सेट कर गया है बट अभी भी चिपचिपा है इस पे, तो
तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये अपना हो गया, अब इसमें मैं अपना कैमरा माउंट कर लूँगा, अपना GoPro Hero 9। इसको रखते हैं इधर ऐसे खड़ा करके, हाँ ऐसे सही है। अब ये जो है ये सब जाएगा कचरे में। तो ये दोस्तों हो गया सारा काम, और कल का तो आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा ब्लॉग किया नहीं, तो आज मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का ब्लॉग और कल वाला ब्लॉग मैं मिला के इसको एडिट कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।